जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदा तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रिश्ते खत्म हो चुके हैं, टूटे दिल ने नया रास्ता भी इख्तियार कर लिया है। लेकिन जब जब महबूब की याद आती है तो दिल से कुछ ऐसी ही आवाज निकलती है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदा तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वो उसी मोहब्बत को पुकारता है जिसने वादे किए थे, जिसने उम्र भर साथ चलने के लिए हाथ थामा था। यूं तो विराट कोहली ने ये गाना ढाका में इंडियन हाई कमीशन ऑफ इंडिया की डिनर पार्टी में गाया था। लेकिन गाने के बोल डिनर पार्टी की रौनक बढ़ाने के अलावा भी कुछ और बयान कर रहे थे। ये विराट कोहली का वो दर्द दिखा रहे थे जो उन्हें मोहब्बत में मिला। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदा तुमको आना पड़ेगा। हालांकि कोहली स्टेज पर जाकर कोई भी गाना गुनगुना सकते थे, लेकिन उन्होंने 70 से 80 के दशक का वही गाना चुना जो उनके दिल में था। कोहली का गाया ये गाना दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के इस विराट खिलाड़ी को आज भी अपनी मोहब्बत का इंतजार है, और वो मानो यही कह रहे हो कि वो वादे उनसे किए गए थे वो निभाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। कोहली की मोहब्बत अब ब्रेकअप के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा उनसे प्यार के तमाम रिश्ते खत्म कर चुकी है, और कोहली भी अब मूव ऑन कर चुके हैं। और शायद यही वजह है कि जब से कोहली और अनुष्का का ब्रेकअप हुआ है, कोहली का बल्ला और ज्यादा खतरनाक हुआ है। जिसका उदाहरण ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली गई 2020 सीरीज और मौजूदा एशिया कप है। ऑस्ट्रेलिया में कोहली ने कंगारू के छक्के छुड़वा दिए थे। और अब एशिया कप में भी वो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़े हीरो साबित हुए। वो कोहली की ही पारी थी जिनसे पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी पर लगाम लगाते हुए टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। और जिस तरह से कोहली ब्रेकअप से उभरे हैं, वो ये दिखाता है कि कोहली आगे भी एशिया कप में ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखेंगे, और ये दिखाएंगे कि मोहब्बत में टूटा दिल गम के अंधेरों में नहीं डूबता, बल्कि उसे मरहम बनाकर ब्लास्ट करता है। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। वैसे कुछ दिन पहले जब अनुष्का और कोहली का ब्रेकअप हुआ था तो कोहली अनुष्का का नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। एक ब्रेक कॉन्फ्रेंस के दौरान कोहली ने जब
ब्रेकअप के बारे में उनसे पूछा तो उनका जवाब दिल जले वाला था। कुछ वक्त पहले तक जिस अनुष्का शर्मा के साथ अपने इश्क का इजहार करने के लिए विराट कोहली दर्शकों से भरे मैदान में भी नहीं शर्माते थे और आशिकाना अंदाज में अपनी मोहब्बत के लिए बल्ला उठाते थे, वही विराट कोहली अब अनुष्का तो क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री से नफरत करने लगे हैं। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान में पिछले दिनों हर बाजी अपने नाम करने वाले भारत के इस नए मास्टर ब्लास्टर को दिल की बाजी में ऐसी मात मिली है कि विराट कोहली अब दिल जले बन गए हैं। दिल जले शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का से हुए ब्रेकअप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और उन्हें अब अनुष्का के नाम से भी नफरत हो गई है। वो बॉलीवुड की स्थानीय पार्टनर का नाम तक नहीं सुनना चाहते और सिर्फ अनुष्का ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करना अब कोहली को गवारा नहीं। कोहली के जख्मी दिल का आलम ये है कि अब वो रिलेशनशिप का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। This is the most important thing of relationship. With this, so? Relationship. Sir, I'm not a relationship counselor, so that's not a question you should be asking me. If we can just ask, keep the questions. Expert, please. I'm not a relationship counselor, sorry. कोहली के इस जवाब से उनके दिल में भरी करवाहट का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही नहीं, इस फंक्शन में कोहली ने ये भी साफ कर दिया कि उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अहम उनके घर वाले हैं। इसके बाद जब कोहली से रिलेशनशिप पर एक बार फिर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल पूछ रहे पत्रकार को नसीहत दी कि उनसे इस मसले पर सवाल ना पूछे जाए। You would like to give this watch to who would that be and why? I don't know why that question. What's the connect? Could be a cricket team member as well. Let's be professional and stick to what we're here for and not try to be swinging things in the other direction. Film industry aur relationship ko lekar Kohli ke in tevron se andaaza lagaya ja sakta hai ki Anushka ke sath breakup ke baad ab Kohli ko unse judi kisi bhi cheez par baat karna pasand nahi hai. Yani Team India ka ye ballebaaz ab dil jala ban gaya hai. स्पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया। जी हाँ, तो कोहली अनुष्का का नाम भी अब सुनना नहीं चाहते, लेकिन इस रिश्ते में दरार काफी पहले पड़ चुकी थी। खुद विराट ने कबूल किया था कि वो सिंगल हैं। इट्स ऑफिशियल नाउ, हो गया है विराट अनुष्का का ब्रेकअप, टूट गया विरुष्का का रिश्ता, कोहली अनुष्का के रास्ते हुए अलग अलग, टूट गई रब की बनाई हुई जोड़ी। कुछ वक्त पहले तक कोहली खुद को अनुष्का के लिए कमिटेड बताते थे, ट्विटर पर अपने प्यार की तारीफ करते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है क्योंकि विराट अब अनुष्का को भूल गए हैं। कोहली ने कर दिया है ऐलान कि वो अब कमिटेड नहीं बल्कि सिंगल हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, पिछले कुछ दिनों से अफवाहों का बाजार गर्म था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो कोहली और अनुष्का का ब्रेकअप ऑफिशियल हो चुका है और इसका ऐलान खुद विराट ने ही किया है। पहले ही दोनों इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके थे और अब विराट के एक करीबी ने बड़ा खुलासा किया कि विराट की अनुष्का को मनाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। हाल ही में विराट एक पार्टी में डांस कर रहे थे और सबको ये बोलकर डांस करने के लिए बुला रहे थे कि अब मैं सिंगल हूँ। विराट ने अपने करीबी से भी ये कहा कि वो काबू में रखने वाली गर्लफ्रेंड के साथ तनहा घूमते थे।
कोहली की इन बातों से तो ऐसा लगता है कि जैसे विराट शुरू से ही अनुष्का के साथ खुश नहीं थे और ये रिश्ता पिछले कुछ वक्त से खिंचा चला आ रहा था। साथ ही विराट को अनुष्का का नेचर डोमिनेटिंग लगता था, जो कि उन्हें काफी खल रहा था। एक तरफ कोहली इस तरह से अपने ब्रेकअप के बाद अपने में बिजी हैं, तो वहीं दूसरी ओर अनुष्का ने खुद को सलमान के साथ सुल्तान फिल्म की शूटिंग में बिजी रखा है और ये शूटिंग 3 महीने तक चलने वाली है। यानी अब तक अगर फैंस इस जोड़ी के पैचअप के बारे में सोच रहे थे तो उनको जरूर इस रिपोर्ट से निराशा हाथ लगेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, लाइव इंडिया। चलिए यहाँ रुक रहे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जेटली का बजट सूट बूट की सरकार के आरोपों का जवाब है, आज की सबसे बड़ी बहस में उठेगा सीधा सवाल। देखिए शाम 7 बजे। दीमक पालने का शौक है? Then Syntex Doze makes no sense. लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, then Syntex Doze, we make sense. किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का DD। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जनसेवा बैंक के सामने, न्यू DP रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। बात हो रही है विराट और अनुष्का की, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं विराट और अनुष्का के बीच ब्रेकअप की खबरें कैसे और कहां से आई। कभी कोहली ने मैदान पर फ्लाइंग किस दिया तो कभी अनुष्का कोहली के मैच को देखने ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। क्रिकेट के बाहुबली कोहली और बॉलीवुड की हसीना अनुष्का शर्मा की ये लव स्टोरी पिछले 3 साल से सुर्खियों में थी। हालात जो भी रहे हो, प्रेमी जोड़ा हमेशा साथ रहा, लेकिन अब इस जोड़े के बीच में कोई तीसरा आ गया है जिसकी मौजूदगी ने करा दिया है विरुष्का का ब्रेकअप। और इस तीसरे शख्स का नाम है सुल्तान। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद कोहली अपनी माशुका अनुष्का शर्मा के साथ छुट्टियों पर जाना चाहते थे। कोहली चाहते थे कि वो फुर्सत के वक्त में दुनिया के खूबसूरत हॉलीडे डेस्टिनेशन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए। कोहली ने इसके लिए BCCI में अर्जी भी दे दी थी, लेकिन अनुष्का ने छुट्टियों पर जाने से इनकार कर दिया और इस इनकार की सबसे बड़ी वजह रही सुल्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये सुल्तान जिसके चलते अनुष्का ने कोहली के साथ छुट्टियां मनाने से इनकार कर दिया। तो हम आपको बताते हैं कि सुल्तान कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान है। और सुल्तान सलमान की नई फिल्म का नाम है जिसमें लीड रोल अनुष्का निभा रही है।
बॉलीवुड में कामयाबी की गारंटी माने जाने वाले सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा ने इससे पहले कोई फिल्म नहीं की है। और जब उन्हें सुल्तान में काम करने का ऑफर मिला तो वो इनकार नहीं कर सकी और उसके बाद सुल्तान की शूटिंग के लिए उन्हें वही डेट्स देनी थी जिन पर कोहली बीसीसीआई से छुट्टी लेकर अनुष्का के साथ घूमना चाहते थे। अनुष्का ने करियर और प्यार के बीच में करियर को चुना और सुल्तान बन गया विरुष्का के ब्रेकअप की वजह। दरअसल अनुष्का जानती है कि सलमान के साथ काम करके उनके करियर को नई उड़ान मिल सकती है, ठीक वैसी ही उड़ान जो उन्हें आमिर के साथ पीके से मिली थी। लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। लिहाजा अनुष्का ने कोहली की परवाह ना करते हुए सलमान को चुना और यही इस लव बर्ड्स के लिए ब्रेकअप की वजह बन गया। स्पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया। यह तो भले ही आज ये जोड़ी टूट चुकी हो, दोनों के बीच खटास आ चुकी हो, लेकिन ये वही जोड़ी है जो कुछ वक्त पहले तक हमेशा सुर्खियों में रहती थी। अनुष्का टीम के होटल में पहुंच जाती थी तो कभी भरे मैदान में कोहली फ्लाइंग किस देते थे। हर बार कोहली और अनुष्का की प्रेम कहानी चर्चा में रही। एक क्रिकेट के मैदान का दबा कदमों का प्रयोग और मिडॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए तो दूसरी बॉलीवुड की मलिका। अपने अपने प्रोफेशन के माहिर इन दोनों की मुलाकात सबसे पहले एक एड शूट के दौरान हुई। विज्ञापन की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती थोड़ी गहरी हुई और प्यार में बदलने लगी। और आग जल गई तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। हालांकि शुरुआत में दोनों ही इससे मुकरते रहे, खुलेआम अपने प्यार की कहानी फैंस से छुपाते रहे। लेकिन साल 2014 की शुरुआत में जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड के दौरे पर गई, तो इस दौरे पर अनुष्का शर्मा भी उनके पीछे पीछे चली गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और सिर्फ गई नहीं बल्कि दोनों की एक साथ घूमने वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। फिर क्या था, दोनों के बीच प्यार की खबरें आम होती गई। इसके बाद अनुष्का कोहली का लव अफेयर का एक और नजारा उस वक्त सामने आया जब कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी के दौरान स्टेडियम में बैठी अनुष्का को बल्ले से फ्लाइंग किस दिया। ये किस उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के लिए था। इसके बाद क्या था, दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और आए दिन दोनों साथ साथ नजर आने लगे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया गई तो अनुष्का शर्मा भी विराट के साथ नजर आई। टीम के ऑफिशियल लंच पार्टी में भी अनुष्का और विराट साथ साथ नजर आए। इस दौरान इस प्रेम कहानी में कुछ विवाद भी जुड़े। इंग्लैंड दौरे पर अनुष्का की टीम होटल में रुकने और विराट की खराब फॉर्म को एक साथ जोड़कर देखा गया। वहीं पिछले साल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के दौरान कोहली के रास्ते में आउट होने को भी अनुष्का के साथ जोड़ा गया और देश में कई जगह तो फैंस ने अनुष्का शर्मा के पुतले जलाए। हालांकि ये सब विवाद कोहली की फॉर्म के साथ खत्म हो गए। लेकिन अब
ब्रेकअप की खबरों ने क्रिकेट और बॉलीवुड की सबसे बड़ी प्रेम कहानी को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। स्पोर्ट्स डेस्क लाइव इंडिया। चलिए इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन लाइव इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।